ग्रीटिंग्स गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ रूप जोशी और आज का वीडियो है हेलोइड डिफिकल्टी में समर स्मैकडाउन वीक वन। दिस इवेंट इज़ बेसिकली अ बॉस रश और सबसे पहली फाइट आती है थिंग की, जिसके खिलाफ मैं इतना अच्छा नहीं खेल पाया। आई थिंक इसको काफ़ी 10-15% तक एगॉन के साथ ले आऊँगा। मैंने वीक टू और थ्री भी कंप्लीट कर लिया था, पर उसका वीडियो बनाना ज़रूरी नहीं समझा, बिकॉज दैट वाज रिलेटिवली ईजियर देन दिस वन। इस वाले वीक में फाइट्स आती हैं मिस्टर सिनिस्टर, हैवॉक और निक फ्यूरी भी, एंड टू स्टार्ट थिंग्स ऑफ थिंग सबसे अनोइंग चैम्पियन है। अगर आपको खेलना नहीं आता है तो उसके नाम के नीचे एक रॉक शील्ड होती है जो अभी 9 नंबर पे है। अगर उसको 15 नंबर के बाद आपने मारा तो वो अनस्टॉपेबल हो जाता है और बेसिकली आपका अंत हो जाता है उसमें। अभी उसका वो 16 नंबर पे है तो मैं वेट कर रहा हूँ कि वो अपना स्पेशल दे और अपनी सारी रॉक शील्ड हटाए, और वही मैं करते रहूँगा। अब उसने अपना स्पेशल दिया और वो मैंने रेक्स कर दिया। अगर वो स्पेशल मुझे लगता मैं मर जाता। बेसिकली इसका पूरे खेलने का थिंग का यही तरीका है कि उसकी रॉक शील्ड पर नज़र रखना होता है। जैसे 15 आए वो आप उसका स्पेशल इवेट करें, और स्पेशल 1 इवेट करना ज़्यादा आसान है, स्पेशल 2 कभी भी एकदम से मार देता है तो बहुत दिक्कत होती है। अभी शुक्र है वो 14 पे था, वरना आई वुड हैव बीन कम्प्लीटली रेड। नाउ आई हैव केप्ट हिम एट 15, पर उसकी स्पेशल नहीं है तो देयर वाज नो वे कि वो मैं उसको मार सकता था, तो मैंने उसके ब्लॉक पे मारा और इसका स्पेशल 1 इवेट किया। तो एंजॉय दिस रेस्ट ऑफ द फाइट। आई थिंक मैं यहाँ मर जाऊँगा और आई विल फिनिश विद समवन एल्स। एंड वन मोर थिंग टू नोट दैट जब मैंने आज ये खत्म किया हीरोइक लेवल, मेरे पास सिर्फ बेसिक मास्टरीज ही लोडेड हैं। कल मैं मास्टरीज का वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं क्रुएल्टी को अनलॉक करूंगा, जिसके लिए आप राइट टॉप कॉर्नर में देखें 1240 यूनिट मैंने सेव कर ली हैं, और कल वो वीडियो रिलीज़ होगा। बाकी का बचा कुछ 12% एथॉड आई फिनिश विद वेनम। वेनम का एक ख़ास बात यह है कि 18% के नीचे जब भी डिफेंडर हो तो उसके पास ट्रू स्ट्राइक आती है, तो अगर थिंग का प्रोटेक्शन भी ऑन होता तो डैमेज वेनम पूरा ही करता। एंड ही इज़ टेकन डाउन एंड नॉट इवन 15 हिट्स। नेक्स्ट आता है डियाब्लो, जो फाइट बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें मैं थोड़ी बहुत क्या काफ़ी गलतियां करूंगा, पर सॉर्सरर सुप्रीम के साथ वन शॉट हो जाएगा। इसमें कुछ बताने लायक नहीं है, तो ये वाली फाइट आप इंजॉय करें। इट्स अ वेरी सिंपल फाइट अगर आप गलती ना करें, जैसे मैंने यहाँ करी है, पैरी करके सीधा अटैक करें उसमें। नेक्स्ट फाइट इज़ हैवक। इसके लिए जनरली आपको ऐसा काउंटर चाहिए होता है जिसका आर्मर अप शील्ड रहे, वरना कोई भी या दूसरा चैम्पियन उसके प्लाज्मा डेटनेट से ही मर जाता है। बट लकीली इस वॉर फाइट में आई गॉट वेरी लकी विद वेनम। आई थिंक उसका
आग मेरा बफ आता है मेरे पास, अदरवाइज काफ़ी ब्लीड बफ्स में लगा देता हूँ हैवक पे, ताकि वो जल्दी मर जाता है। अनदर थिंग अबाउट दिस फाइट इज़ जब वो हैवी चार्ज कर रहा होता है, वो अनस्टॉपेबल हो जाता है, तो उसका पूरा जब तक हैवी का ख़त्म नहीं होता, क्या बोलते हैं, एनिमेशन, तब तक आप उस पर अटैक नहीं करना। एंड SP2 अवॉइड करने के लिए आप पहले हैवॉक के साथ ड्यूअल करें, जाकर उसको फाइंड करें सर्च ऑप्शन में जहाँ पे आप लोग ढूंढते हैं, और उसका SP2 एवेट करना सीख जाइए। अदर देन दैट आई गॉट वेरी लकी विद वेनम कि मैंने उसको वन शॉट कर दिया आज काफ़ी जल्दी। इसके बाद वाली फाइट आती है मिस्टर सिनिस्टर, जो कि सबसे ज़्यादा अनोइंग है। आई थिंक थिंग्स से ज़्यादा अनोइंग नहीं है, पर फिर भी अनोइंग है, क्योंकि मिस्टर सिनिस्टर को जब भी क्रिटिकल हिट लगता है वो रीजनरेट करने लग जाता है। और शायद इस पे लिमिट नोट भी था, क्योंकि मेरे काफ़ी हैवीज मिस हुए हैं। मेरा ऑब्जेक्टिव इसमें ये था कि मैं ऐसा एक चैम्पियन लेकर आऊँ जिसका SP3 बहुत स्ट्रॉन्ग हो और फ्यूरी बफ्स लेता है हाइपेरियन अपने हैवी पे, और उसका SP3 ही मारूं, क्योंकि अदरवाइज़ इसको मारना बहुत मुश्किल हो जाता है मिस्टर सिनिस्टर को। बहुत ही अनोइंग कैरेक्टर है, आप देख रहे हैं जैसे रीजन रीजन आई जा रहा है। अगर इसको मैं 5-8 कॉम्बो दूंगा तो वो मरेगा नहीं। तो बेसिकली 4-स्टार कोई भी R2 हैवॉक टाइप जो जिसका कि स्पेशल 3 बहुत स्ट्रॉन्ग हो, कैप्टन अमेरिका, इन्फिनिटी वॉर, हाइपेरियन, हैवॉक, और किसका वेनम का बहुत स्ट्रॉन्ग होता है SP3, और किसका स्ट्रॉन्ग है SP3, और भी काफ़ी चैम्पियंस हैं जो आप सर्च करेंगे आपको तो मिल जाएगा कि SP3 किसका सबसे स्ट्रॉन्ग है गेम में। और वही मैंने किया, मैं 2-3 बार दूंगा शायद, और उतने में ही मिस्टर सिनिस्टर मर जाएगा। बाकी एंजॉय द फाइट। मिस्टर सिनिस्टर की एक और अनोइंग चीज़ है कि जब उसका SP2 पड़ता है तो आप पे कंकशन लग जाता है और पैरी नहीं कर पाते, वो ही बिकम स्टनिंग। तो आप देख रहे हैं ऐसे, तो पैरी करने के चक्कर में फिर से पिटा, बट आई डोंट गिव होप, गिव अप होप। मेरी 2 और फ्यूरी आ गई, नाउ आई एम जस्ट वेटिंग कि मेरा SP3 फुल हो और मैं ये गेम ख़त्म करूँ। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट फाइट इज़ विद निक फ्यूरी, जिसके लिए आप कोई भी अच्छा म्यूटेंट ले आए। मैंने अभी तक आइसमैन रैंक अप इसलिए नहीं किया क्योंकि लेवल अप इवेंट नहीं आया हुआ, वरना अगर ये लेवल अप होता तो मैं शायद इससे ही वन शॉट कर लेता। पर आप देखेंगे कि मैं उसको उसके डिकॉय में हरा कर सेकेंड लाइफ में आकर मरता हूँ, क्योंकि एनहेंस्ड फ्यूरी नोड है, तो वैसे ही वो उसका सेकंड लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है निक फ्यूरी, और उसकी फ्यूरी बफ पे 40% एक्स्ट्रा है, तो बहुत ज़्यादा पिटते हैं। आई थिंक अदर देन दैट इस नोन में कुछ मुश्किल नहीं है। 3-स्टार मैक्स ड्राउट या 4-स्टार रैंक 2 कोई सा भी म्यूटेंट लाए और ये ख़त्म कर सकते हैं आप आराम से।
अगर आपको नहीं पता निक फ्यूरी जनरल के बारे में, वो बेसिकली उसके पास दो लाइफ्स होती हैं। पहले लाइफ जब आप उसको हराते हो वो दूसरी लाइफ पे आता है और वो डीजनरेट करने लग जाता है और 30% पे आके रुकता है। अब आप देखना कि मैं क्या गलती करता हूँ। मैं वेनम लेके जाता हूँ और मेरे को करना क्या चाहिए था कि आई शुड हैव वेटेड कि वो 30% पर आकर रुक जाए अपनी हेल्थ पे डिजेनरेट करके, और फिर उसके बाद मैं मारूं, पर मैं शुरू से ही मारने लग जाता हूँ जिससे उसको चार्जेस मिलते हैं, और 11 चार्जेस के बाद, 11 या 15 चार्जेस के बाद नेक्स्ट फ्यूरी अनब्लॉकेबल हो जाता है। तो आप ये वाली गलती मत करना जो मैं अभी करने जा रहा हूँ। अभी आप देख रहे हैं ऊपर उसके 10 चार्ज हो गए हैं, मैं उसको और मारूंगा, उसके और चार्ज बढ़ जाएंगे। अब वो 28% पे आ गया और डिजेनरेट नहीं करेगा। 15 के बाद वो अनब्लॉकेबल हो गया और अंगमे मेरे को पीट देगा। आई थिंक नाउ आई विल गेट हाइपीरियन टू एंड दिस। मैं थोड़ी बहुत हीलिंग पॉट्स डालूंगा और हाइपीरियन से इसको ख़त्म कर दूंगा। सो द लास्ट फाइट इज़ कैप्टन मार्वल मूवी। आई थिंक इट्स अ वेरी बेसिक फाइट, स्पेशल वन बायस है, और मैं ये वन शॉट ही कर देता हूँ सॉर्सरर सुप्रीम के साथ। 5 हेल्थ पॉट लेकर जाता हूँ। तो इसके साथ क्या होता है कि जब भी कैप्टन मार्वल मूवी अपने 25 चार्ज पे आती है तो वो इंडेस्ट्रक्टिबल हो जाती है। उसका SP1 और SP2 दोनों अनब्लॉकेबल हो जाते हैं, और इस वाली फाइट में भी वो अनब्लॉकेबल होगी जब उसके चार्जेज आ जाएंगे। बट आई विल बेसिकली जस्ट पावर थ्रू विद सॉर्सरर सुप्रीम उसके फ्यूरी स्टेज में उसको बीट दूंगा, और ये वाली फाइट भी बहुत सिंपली ख़त्म हो जाएगी। ऑलराइट गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और अगर आपको और कुछ टिप्स चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें वीडियो, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच।